अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है ना भाई, थोड़ा सा एक शुरू में प्रैंक करने वाला हूँ और उसके बाद ज़रा फार्म की अपडेट है। प्रैंक ये है कि मैं एक डब्बा ये ला लेता हमारा पीछे जो है ना, नसर भाई सो रहे हैं तो डब्बे में क्या है मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और नसर भाई जो है ना थोड़ा सा मतलब लेटे हुए हैं, अभी तक इनकी आँख खुली नहीं। कल का मैं ये कहूँगा इनको कि भाई वो जो हमने गोलगप्पे का चैलेंज किया वो जीते हो ना, तो उसमें तुम्हारे लिए इनाम लेकर आया। सलाम वालेकुम नसर भाई। अबे नसर भाई तो सो ही रहे, मैं अंदर लेटे। हेलो क्या हुआ, नाटक कर रहे हो सोने का? नहीं, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे लिए वो लेकर आया हूँ, कल तुम जीते हो ना क्या लाया है? गोलगप्पा जो चैलेंज जीते हो। हाँ। तुम्हारे लिए एक इनाम लेकर आया हूँ। हैं देखो, आओ खोलो तुम और देखो तुम्हें इनाम पसंद आया है क्या है। हमने तो सब दंग रह गए, फूडी मानी चैनल पे। एक मिनट में कैसे, वो एक मिनट से भी अंदर में तो तुम्हारा ये इनाम है भाई। ये हल्के से हमने हवास करके अंदर आ गई, ये लेटे हुए तो थे ये समझ रहे ये वो कर रहे हैं भाई। ये इतना बड़ा डब्बे में तुम्हारा इनाम है, खोलो। हाँ खोलो। ये तो मक्खन है, मक्खन है ये तो। नसर भाई छोटा सा आपके साथ, ये तो वो है ना बर्फ है जमी हुई। नसर भाई थोड़ा सा प्रैंक किया आपके साथ, कैमरे में देख के हाथ हिला दो भाई। नसर भाई मजाक कर रहा था यार, ये बछड़ों के 2 दिन का है ठीक है, बछड़ियों बछड़ियों के बछड़ों के लिए। चलो चलो, 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 चलो भाई दोपहर का टाइम है, चाह रहे थे पहले। वैसे जैन भाई से मेरी मशवरा हुआ था, इसमें से अभी मैं बता रहा हूँ कितने कितने मशवरे हुए थे। तो उसमें हमने बच्चों में मोहरे तो डाले, अभी तक इनको बांध नहीं पाए, वो सेटिंग नहीं बन पाई। आई गेस टायर गाड़ दिए, टायर गाड़ दिए भाई, बंधेंगे अब। और मैं ज़रा पता भी करता हूँ, तो जैन भाई ने दिया था कि भाई ये ना इनको बांध के रखें, वो असल में अपना मोरा खा, वो रस्सी खा रहे हैं ना, क्या नाम है जाने करीब, तो इस वजह से उसमें नहीं डला हुआ। और बाकी ये कि भाई दोपहर का भी टाइम हो रहा है, वैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा और पहले खिलाएं, तो इंशाल्लाह मैंने आज का तो ये हुआ कि मैं अभी दोपहर में आके दिया है, कल का भी मैं लेकर आ गया हूँ हाथों हाथ। तो ये होगा कि ऐसा ही रहेगा, मैं जब लाऊँगा तो अगले ही दिनों का लाऊँगा, तो मैं कल भी इनको कल का मतलब परसों का और तरसों का दे के चलाऊँगा, ताकि टाइम से इनको जानवरों को मक्खन मिल जाए। और अब ये भी है कि इंशाल्लाह मक्खन भी ज़्यादा क्वांटिटी में लाया हूँ, तो मैंने आपको दिखा दिया कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये है तरतीब, इंशाल्लाह क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। बाकी इसके हवाले से भी मेरी नासिर भाई से ही बात हो गई, नासिर भाई ने दूध के साथ इसकी माशाल्लाह पलाई जो है ना मुझे करवाने का बोला है। बाकी ये कि रुबाब मैं अभी दिखाता हूँ आज, इंशाल्लाह रुबाब के हवाले से मैं बताऊँगा कि भाई वो उन्होंने कहा है कि वो सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल पर्पज़ से ही ली थी। वो मैंने बताया भी था कि दिसंबर जनवरी का इरादा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं पहले कर देते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि भाई उनको रुबाब पसंद है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं नासिर भाई का नंबर दे देता हूँ। फिर ये होगा फ़ायदा, अगर वो लेके जाना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये कि रुबाब हमारे पास पल रही है, अगर वो चाहता है जिसके जो स्लॉट के हवाले से कह रहा था कि चाहिए, या बछड़ी के हवाले से रखवाने के हवाले से कह रहा था, तो अगर रुबाब उनको समझ आए तो भाई वो रुबाब वो स्विच कर सकते हैं उन पर। तो ये कि भाई उनके उनका जानवर हमारे फार्म पर आ जाएगा। बाकी सफाई वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल हुआ भाई, और सीन यही है कि जानवरों को बस मक्खन देना, उसके बाद चारा वगैरह मिक्स हुआ है और फिर थोड़ी देर में चारा डाल देंगे। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। चले जी कटिंग हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े पीस हैं उनकी कटिंग हो रही है। बाकी ये हाफ ये हो गया, इसका आइस बॉक्स को अंदर रख लो, ये तो जमा रहेगा। अच्छा मैंने जो आलम भाई ने हमें एक वो ला के दी थी, ये भाई ये कैट्स फार्मा, ये एक चीज़ है जिसमें ये हमारे अंदर है लिक्विड पानी है या क्या है जो भी है, इसमें हुआ हुआ है बर्फ़, ये हुआ है बर्फ़। वो कह रहे थे ये 24 घंटे तक बर्फ़ रहेगी, ठंडी रखेगी चीज़ों को। तो मेरे पास ये वो तो डीप फ्रीजर में था ना घर में, तो हो जाएगा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। तो इसमें हमने थैली में ये सारी 5 वो है क्या नाम है ये बर्फ़ की डलिया, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कल तक जमा रहेगा। इसको हम अंदर करवा देंगे, फिर कल ये खिलाएंगे। चलिए जी, ये इनको हम पीसेस करवा रहे हैं मक्खन को, और इंशाल्लाह फिर ये खिलाएंगे। फिर ये कि मैं फार्म पे ज़रा मैं कुछ और मामला देख लूँ, और जानवरों का ज़रा और ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि भाई
मक्खन चल रहा है, जरा इस चीज़ को देखना पड़ेगा क्या आया जो है ना मक्खन, सबको हजम हो भी रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि एक कैडबरी का तो मैंने देख लिया उसको हजम नहीं हुआ, उसको थोड़े से पतला जो है ना पकाना हुआ है, तो उसको आज हम देंगे भी नहीं। बाकी और भी जानवरों को डलेगा, मैं आपको अपडेट वैसे ही दे देता हूँ। एक तो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर जो शान यूसुफ है उसको भी मक्खन डलेगा, और जो है वहाँ पे शान नवाब है उसको भी मक्खन डलेगा, और हमारा पाडा उसको भी मक्खन डलेगा। तो मैं उनकी तो हो सका था तो कवरेज कर लूँगा इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे बुर्राक पीछे ऊपर चढ़ा हुआ है, बुर्राक पैंथर राजू पता नहीं क्या शौक है, वहाँ पीछे सुल्तान ऊपर खड़े होने का शौक है। नीचे उतरो भाई। तो ये सीन है भाई, इंशाल्लाह जो है ना हम इन सब में मक्खन खिलाते हैं। बाकी इन सब के गोबर अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं, ये उठाया होगा भी कहीं, बाकी अभी वापस से की होगी तो मतलब नॉर्मल है, गोबर में कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह के करम से कुछ है नहीं। तो जाहिर है गोबर से ही आप निशानी बता सकते हैं कि हजम हो रहा है या नहीं। चले जी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दोस्तों भाई सारा माल बाहर बांध दिया भाई, और शाम हो गई आज जो है ना, मैं असल में लग गया सफाई पे जानवरों की, और भाई ने याद दिलाया भाई वीडियो तो कंप्लीट कर ले। अच्छा वीडियो अब कंप्लीट ये करते हैं भाई, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे भाई कि पाडे को अब अपने पास ले आएँ आप अपने पास ले आएँ, और पाडा माशाल्लाह वहाँ पे हैवी साइड भी चल रहा लगे गर्म से। तो भाई सोचा ये कि चलो पहले थोड़ा जानवर दिखा देता हूँ, वैसे तो अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं पाडा जो है ना मैं नसर भाई को बोलता हूँ लेकर आ जाते हैं, और फिर जो है ना इंशाल्लाह बाकी जानवर भी दिखाता हूँ, और मैं एक और भी अपडेट दिखा देता हूँ। वो जो हुसैन भाई हमें कह के गए थे कि भाई बच्चों को जो है ना वो खुला ना रखें, तो उनके लिए मैंने बताया था ना टायर गाड़ दिए, तो उनको अब बांध भी दिया, बस इसमें से एक खुला रहा है क्योंकि वो उसकी वो रस्सी अभी हमारे पास शॉर्ट पड़ गई, और लो इसने अनमोरा तोड़ लिया और टाल दिया। ये जाने नवाब जाने करीब ने लो मेरे ख्याल में पता नहीं वीडियो में सामने मैं उस तरफ देख रहा था भाई, ये हमारा बुर्राक अभी फ़िलहाल खुला हुआ है, बाकी ये देख सकते हैं हमने बांध दिए, अब वो पता नहीं कैसे इसने मोरा खोल लिया, और इसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल हुई है भाई, जो इसको पकड़ा है ना बड़ी मुश्किल हुई है, ये छोटा वाला है ना याकूत, इसको पकड़ के बांधने में बड़ा मुश्किल हुआ है। चले जी इनको बांध दिया है, मैंने बोला आप लोगों को भी दिखा दें भाई, उनसे उन्होंने जब हमें कहा तो हमने इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। बाकी ये कि तकरीबन सारा ही माल बन गया, ये देखो ये इसको बांधना है, इसको करो फटाफट, चारा वारा खा लिया यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी तक सभी माल बंधा हुआ है ठीक है ना, बस हमारी मुन्नी और वो खुली हुई है क्या नाम है अपना नूरी और हूरी ठीक खुले में। चले ऐसा करते हैं उसको तुम बांधो, मैं मामा के साथ जो है ना वो लेकर आ रहा हूँ पाडा। मामा फुल जो है ना बर्गर बने हुए, यो यो मामा यो यो बर्गर बने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हैं, फ्रेंड्स भी सेट है, अभी फ़िलहाल पाडे को लेने जा रहे हैं हम। यार पूरा जब तक हाँ उसको बोले दरवाज़ा खोल ले, अपन वहाँ से वो खुल के लेकर आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल दे भाई, पाडा हम लेके जा रहे हैं। बाकी ये कि भाई उस भाई का फार्म भी बहुत जो है कंट्रोल में आ गया, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है, सेहत में चल रहा है माशाल्लाह से, शेड भी ख़राब हुआ हुआ तो वो भी बन गया माशाल्लाह, बकरे बकरियाँ भी सही चल रहे हैं, ये छोटे दो बच्चे ये भी माशाल्लाह से, और पाडा पाडे भाई, और अच्छा भाई मक्खन इसका भी स्टार्ट कर दिया था खुद से इसको करा। अच्छा नसर भाई एक मिनट पकड़ के खड़ा हो ना, मैं वो जाने नवाब वो दिखा दूँ, हाँ जाने नवाब, एक मिनट रुक नहीं रहा भाई ये तो रुक ही नहीं रहा, नहीं 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 मैंने बोला वो दिखा दूँ यार, अबे आहा, लो अब वहाँ घूम गया, तुम एक मिनट बस करो, मैं एक मिनट आया
चलिए नवाब, और ये वाला बछड़ा भी मैंने दिखा देते हैं भाई। ये वाला अभी भी आप लोगों को पता है कि काफ़ी जो है वो वीक वीक सही बच्चा आया था, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसको चूरन वगैरह दिया है ठीक है, ताकि इसका भूख खुले, हाजमा हो उसको। बाकी जाने नवाब, जाने नवाब, हाँ यही था ना, इसने माशाल्लाह बहुत अच्छी अपनी वो की है कि ये आते ही माशाल्लाह खाने वाने पे लग गया है ना, तो पूरा अपना माशाल्लाह अंडा उठा रहा है। तो माशाल्लाह अब ये कि भर गया, वापस अपनी जगह पे आ गया, मक्खन इसका भी स्टार्ट हुआ है। तो ये सीन चल रहा है भाई, बाकी ये कि पार्ट ऑफ है भाई। चलो 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 चलो, बस बस बस, सही है, हो गया काम। इससे पहले खुदा ना खादा को नुकसान हो, अच्छा भला हमने इसके साथ यहाँ पर टाइम निकाल दिया है। वो इस भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने तो यहाँ पढ़ने की हमें परमिशन दी। बाकी भाई खोल खोल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह शिराज भाई का। यार अगर देख लो, मेरे ख्याल में चला जाएगा, इतना कोई मसला नहीं। पकड़ के खड़े हो दरवाज़ा, आपके साथ खुल ही नहीं रहा दरवाजा, ताला ही नहीं खुला। बिस्मिल्लाह भाई, देख लेते हैं, अल्लाह करे फंसे ना। हाँ पूरा पूरा फिक्स निकला है भाई। तो पाड़ा भाई आ गया भाई आखिरकार करीम्स कैटल फार्म की टेरिटरी में। और माशाल्लाह भाई, इसको हम बनवाएंगे जहाँ फॉक्सी बनता है ना कॉर्नर पे, वहाँ मैंने बोला है इनको कि वहाँ पे बांधो। और दूसरा ये है कि अल्लाह भला करे इसके साथ बंधेगा यासूब। और भाई पानी की खुल्ली पे ये आगे खड़ा हुआ है फ़िलहाल। नसर भाई इसको यहीं बांध दो, सही है, और मैंने बताया, समझ गया ना, फॉक्सी जा बनता है ना उस तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर से बचाए, खूब इसको परवान चढ़ाए। दोस्तों ये भाई के भाई पाड़े का नाम गब्बर, वैसे शिराज भाई भी बता दिएगा कि शिराज भाई इसका नाम गब्बर फाइनल कर दें या क्या करें। गब्बर भाई कमेंट्स में आ रहा था, मैंने बोला गब्बर ही फिर कह दें, और शिराज भाई भी मुझे कह रहे थे गब्बर का क्या है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे। तो ठीक है भाई, शिराज भाई गब्बर जो है वो आ गया भाई। और अगर आप लोग भी बता दिएगा इसको हम गब्बर ही जो है ना वो क्या कहते हैं इसका नाम फाइनल कर दें या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी भाई मक्खन जो है हमने शान यूसुफ को भी खिला दिया आज। और माशाल्लाह, और हमने मक्खन की जो है क्वांटिटी सबकी इंक्रीज़ कर दी, जो जिनकी शुरुआत हुई भी थी उनकी इंक्रीज़ कर दी। लो भाई राजा, और भाई ये नहीं करवाओ वरना ये गलत ना हो जाए। राजा भाई, राजा बिस्मिल्लाह, हटाओ 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 हटाओ, नहीं नहीं वो हटाओ। पाड़ा असल में थोड़ा सा गुस्सेल में हो गए वो मस्ती के चक्कर में। राजा को हटा दो, राजा को कहाँ लेके जाओगे पहले ये भी तो सोचो। ये असल में दो वो एक दूसरे से बोल रहे हैं, एक खूंटा आगे है पाड़े के लिए। देखो देखो बिस्मिल्लाह, ये चाय मस्ती, माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय चाय चाय, इतने बांध नहीं, इधर भी पास ही है ना सर भाई, उधर ले आओ उधर ले आओ, सही कह रहा है, देख ले आगे पीछे बछड़ा साथ नहीं है ना, बस सही। हाँ ये सही है, ये सही है, इधर थोड़ा दूर है दोनों बछड़े। बोला चारे की तरफ कुछ बचा कुछ आया तो मैं जरा निमटाऊ। माशाल्लाह, अच्छा असल में कुछ सी भी सारे जानवर बंधे हुए होते हैं ना, और एक आध जानवर की मूवमेंट करा दो आप आगे पीछे, तो सारे जो है ना थोड़ा पिलर के थोड़ा सा करीब कर, पिलर के पास तक नहीं जाने दे। चले भाई आ दिया, अच्छा जी वाइट लाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुन रहे बस बचाए हमारा। ओए ओए माशाल्लाह अस्वद, यार लाइट्स ऑन करना, लाइट्स ऑन कर दो। चले जी, उन जानवरों को तो मैं काफ़ी मरतब दिखाता ही रहता हूँ, तफसीलन थोड़ा इस तरफ भी देख लेते हैं। और ये आ गया भाई हमारा दिलबर, माशाल्लाह दिलबर की भी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है माशाल्लाह।
और जैन भाई को भी दिलवर भी मैंने दिखाया था, और काफ़ी लोग कह रहे हैं यार आपने फला नहीं दिखाया फला, यार मैंने सारे माल तो नहीं फिर भी दिखाया, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने ठीक ठाक माल दिखाया है, ऑन कैमरा ऑब्वियसली वो फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाती इसलिए मैं जो है मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक सारे जानवर तकरीबन जो है ना दिखाए हैं जिनके हवाले से मैं मशवरा उनसे ले सकता था तो मैंने लिए, ठीक है ना। हाँ सिम्बा मेरे से मिस्टेकनली रह गया, सिम्बा जो है ना लाजमी दिखाना चाहिए था, और सिम्बा बस मुझे असल में हुआ ये भी कि मुजम्मिल को आगे जाना था मीटिंग में, एक फार्म की मीटिंग में, तो मुजम्मिल ने भी कहा भाई जो है ना भाई चल लें बस उनसे मतलब, और वरना लेट हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा और चले गए, वरना तो वो माशाल्लाह भाई वो कह रहे थे आप सारे माल दिखा दो भले कोई मसला नहीं हमें, तो खैर वंस अगेन उन सबका थैंक्स है कि वो इतना टाइम उन्होंने दिया, इतनी कीमती बातें बताई जानवरों के हवाले से, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी ये कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात को हमने अपने उनके और जो भी मज़ीद बेहतरी की तरफ वाले मामलात थे उनकी तरफ लेके जाने के लिए अब इम्प्लीमेंट शुरू कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली आगे चल के जो है ना वो अच्छा रहेगा। अच्छा जी इसका ये है चितकबरा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा चितकबरे में ही जो है ना वो रंग है, लेकिन इसकी कुछ जगहों से मैंने बताया था इसको एलर्जी हुई थी तो वो बाल वहाँ से हट गए, जैसे हमारा जो महाराजा है उसके जैसे बाल हटे ना वैसे इसी के भी हुआ हुआ था, बाकी इसकी इस तरफ तो नहीं उस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा साइड पे जो है ना वो हुआ, बाकी मिल्की और बैठा हुआ है माशाल्लाह सही है ना। चुलबुल दिखा देता हूँ, व्यासुब भी दिखाता हूँ, चुलबुल बीच में है, चुलबुल नूर नायाब, अच्छा भाई हाँ भाई अब नूर जो है नूर पे नूर आना शुरू हो गया है भाई, नूर काफ़ी माशाल्लाह जो है ना वो साफ़ सुथरा, इसका लेकिन थोड़ा पिंकी सा जो है ना ये कलर है वाइट ये तो ये पिंकी कलर है, उसको वहाँ से हटाओ, वो देखो वो रस्सी तोड़ ली उसने पाड़े ने, लेकिन उसकी रस्सी नहीं है, रस्सी लो रस्सी लेके जाओ, अभी वो चारे पे खड़ा हो गया है पाड़े की, मुझे एकदम आवाज़ आई कुछ टूटने की, ये देखें कितनी माशाल्लाह जो है वो ताकत है, पाड़े ने रस्सी तोड़ दी, चलो शुक्र है कि वो चारे पे जाके खड़ा, भूसा मैंने दलवाता हूँ ना वो बाद का भी वनडे के बाद जो भूसा दलता है तो वो दलाव है, वो खाने में मसरूफ़ हो गया है, शाबाश चा लेकर आओ आओ या सुमर भाई आप भी आओ ताकि कोई मसला वसला ना, आराम से पकड़ लो इसको, गब्बर गब्बर हैं रस्सी डबल कर रहे हो, कर लो लाइट भी जला रहे थे एक और, हाँ डबल कर ले प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, हाँ हाँ सही है, तो चारा खाते खाते में कर ले, एक सेकंड में उसने झटके से मुझे आवाज़ आई कि कुछ हुआ है, मैं देखा तो ये चलता हुआ जा रहा था, प्यार कर लो प्यार कर लो, इसकी मुच्छी पकड़ नहीं सिर्फ बांध ले रस्सी पे बगैर एहसास हुए, वरना घर में रस्सी बहुत छोटी उसकी जो है ना वो हुई है, हाँ प्यार से भले इधर बांध दो इसको, ये भूसा खाने दो, खा ले समेट के इसी के पास कर दो आगे आगे पीछे का भूसा ताकि जो है वो सकून करे, चले शुक्र है, ताकि यासूब की तरफ मैं आना था भाई, इसका जोड़ीदार पाड़े का जोड़ीदार जो है ना इरफान भाई ने खुद बोला कि यासूब को बनाना तो इनकी जगह यहाँ कॉर्नर पे होगी, ठीक है ना, बिगड़ा नवाब और फॉक्सी की जगह फॉक्सी और बिगड़े नवाब को हमने बोला पीछे की तरफ जो है ना हम कर देंगे, तो ये सीन है, और बुर्राक बाकी आई गेस मैंने वहाँ पे सब दिखा ही दिए थे, बुर्राक का माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा है, ब्राउन मुंडे माशाल्लाह, सॉरी दोस्तों मैं इस चीज़ के लिए माजरा चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है ना वो
कामों में लग गया था, जानवरों को मैंने आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल क्लोजली देखना चाह रहा हूँ कि जानवर की जानवर खा पी कैसे रहे हैं। बहुत अल्लाह के करम से सेटिस्फेक्शन होती है इस चीज़ से कि जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खा रहे हैं सब मंडा, और कोई बचा नहीं रहा, कोई सुस्ती से नहीं, माशाल्लाह ऑलमोस्ट सभी तकरीबन सेम टाइम पे ख़त्म करते हैं। बड़े बछड़े जो हैं वो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा होता है तो वो लगे हुए होते हैं। चलिए कॉल आ रही है किसी की, तो दोस्तों मैं एक मिनट पॉज करता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं बातों को। चलिए जी यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने कुछ छोड़ा, शायद बंटी रह गया था, और बादल भी, बंटी बादल इसका तो मैंने दिखा दिया था। बादल माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं एक चीज़ एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें फार्म के तमाम जानवर एक साथ एक ही वीडियो में मतलब दिखाऊँ, लेकिन मतलब वन बाय वन खुलवा के मंगवा के, यानी उनको बंदे रहने देंगे वन बाय वन, वो यहाँ पर नसर भाई लोग जो भी हैं एक एक करके, मतलब एक एक करके उसको पूरा घुमा फिर आगे देखेंगे। तो इस हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा कि ऐसी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, पसंद करेंगे, कि जिसमें ये सारे बछड़े भी और फिर बछड़ी भी बोले, फिर वो कितनी भी लेंथी वीडियो बन जाए। कोशिश ये होगी कि एक मिनट के अंदर अंदर जानवर को दिखा दूँ मैं। और फख्र शान करीम माशाल्लाह, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। राजू ओ राजा माशाल्लाह, राजू बस अरे धक्का दे रहा है, मस्ती करना चाह रहा हूँ, मस्ती माशाल्लाह। ठीक है जी, हमारा महाराजा फिर माशाल्लाह से हमारे दबंग उस्ताद, ओ सॉरी दबंग उस्ताद तो ये रहे भाई, बिग बॉस, बिग बॉस माशाल्लाह माशाल्लाह। दबंग अकड़ है, जैसे राजा करता है वैसे अकड़ है। सही हो कमर को यूं किया हुआ लेटा रहा है, और पीछे से जैसे क्रॉस ब्रीड जैसा वो कमर कर ली। माशाल्लाह भाई, दबंग फॉर सेल नहीं है। जो दबंग के हवाले से मुझे रابطہ कर रहे हैं वो अभी फ़िलहाल रابطہ मुझसे ना करें, इंशाल्लाह जब अली भाई कहेंगे जब आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है जी, लाल बादशाह है भाई ये, मोरे के बगैर और फ्लैश पे थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। सिम्बा बोला सारे जानवर दिखा दूँ भाई, कोई ये ना कहे कि भाई फलां को नहीं दिखाया। पॉपकॉर्न तो मैं दिखा चुका हूँ ना, पॉपकॉर्न दिखा चुका हूँ। ठीक है जी, सिम्बा भी दिखा दिया। यह आया भाई बादशाह माशाल्लाह बन रहा है माशाल्लाह। शाइन बादशाह की माशाल्लाह। बबलू भाई बड़े बछड़ों में बंदा होता है भाई यहाँ पर मतलब उनके बीच माशाल्लाह। बबलू की नाव झालर माशाल्लाह। बबलू खैर बच्चा है, अस्वद में दिखा चुका हूँ और ये भी दिखा चुका हूँ अपना वाइट लाइन ठाकुर। हाँ भाई ख़तरनाक बछड़े। अच्छा भाई ये इसका भाई रिंग हटा दिए, अपडेट ये है इसका रिंग हटा के नखेल कर दिए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक हो गया बछड़ों को लिए, और उसमें जो है ना हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में कर रहा है। क्या हुआ कि ये बछड़ों को बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, कि बोल रहा है कि मैं यहाँ का सबसे पुराना बछड़ा हूँ भाई, तो मेरे आगे कोई ना चले सच में मतलब ये काफ़ी फड्डेबाज हो गया है, तो इसलिए इसका नखेल वापस करना पड़ा है भाई माशाल्लाह। अच्छा वो अपना आलम भाई भी कह रहे थे कि यार जैन भाई को सुल्तान नहीं दिखाया, तो सुल्तान भी दिखाया, सब दिखाए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो ऑफ कैमरा आप कह लें या मतलब उस टाइम वीडियो रुकी हुई थी तब दिखाएँ, ये भी दिखाया मैंने, सुल्तान भी दिखाया, बादामी भी दिखाया, तो सब दिखाए माशाल्लाह से। तो सजेशंस हर जानवर के उन्होंने दिए,
इंशाल्लाह ये है कि सब पे कोशिश पूरी होगी, सब चीज़ों पे जो हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट हम सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें। बादामी चले अब ऐसा करते हैं, बस ये तो मैंने दिखा दिए, बछड़ियों की तरफ चल लेते हैं भाई। ये बछड़ियों वाले भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी जो है वो बछड़ियाँ मैं दिखाऊँ। आप सही हो गए खड़ा हुए माशाल्लाह। चले दोस्तों बछड़ियों की तरफ कंटिन्यू करते हैं। चले जी बछड़ियों के खाते में आ गए। बछड़ियों के खाते में आते ही मुझे याद आया रुबाब को दिखाना था दिन में, यार दिन की रोशनी में भाई, कि ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। और मैं ऐसा करता हूँ फिर भी यार, इसको रुबाब को खोलो यार, अपना अशरफ रुबाब को खोल, मैं ज़रा इसको बाहर वहाँ पे ले जाके रोशनी में ले जाके वहाँ दिखा देता हूँ। सॉरी यार, मैं आप लोगों को मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन में नहीं रहा। सारे जानवरों को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहा था कि भाई सब कैसे चल रहे हैं। माशाल्लाह बुलबुली का साइज़ माशाल्लाह। इसको वहाँ लेके जा जब तक मैं दिखा कर आ रहा हूँ। वहाँ वहाँ पाँच पे उस पे। और हमारी कायनात माशाल्लाह फुल गोल मटोल, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी गोल मटोल बछड़ी कमर माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन पेंगुइन। वे मार नहीं पेंगुइन तो बिल्कुल अंधेरे गए थे वो, फिर वाइट सही दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक भी। अच्छा वहाँ पे भाई एक मिनट में आ रहा हूँ। कैडबरी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत माशाल्लाह बछड़ी है हमारी भाई। ये मलका ब्राउनी ब्राउनी अपनी बच्ची को नूरी को चाटते हुए माशाल्लाह से इस तरफ से भी चाट लिया, उस तरफ से भी चाट लिया। लो रुबाब अंदर आ गई। अबे यार सॉरी यार, अच्छा एक मिनट यहीं रुक मैं आ रहा हूँ बस। और इसका नाम इस्माइल ने क्या बताया था, शहजादी आई गेस बताया था, हाँ शायद शहजादी शहजादी। चुलबुली चुलबुली माशाल्लाह क्या सीना खुल के चलती है। मुन्नी मुन्नी नहीं रही, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है। चुलबुली हमारे पास मुन्नी जितनी आई थी, मैं ये बताऊँ चुलबुली या बुलबुली मुन्नी जितनी आई थी ये वाली बछड़ी। और बटरफ्लाई आ रहा हूँ बस माशाल्लाह ज़बरदस्त। इनका हमने मक्खन भी डबल कर दिया भाई, मुझे ख़ास तौर पे चल उसका बटरफ्लाई का और जैस्मीन का इन्फॉर्म कर दिया, तो उनको ऑनर्स को कि भाई सजेशन दे के गए कि भाई आप इनको मक्खन ज़्यादा दें, तो इसलिए इनका डबल मक्खन कर दिया है। बाकी मक्खन तकरीबन सब बछड़ियों का है। प्रिंस प्रिंस इनकी अम्माएँ भी सारी सेट है, मैडम भी सेट है, गुलाबों भी सेट है, प्रिंस की माँ भी सेट है, महारानी भी सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई अब ज़रा बस आखिर में उसको सही से दिखाता हूँ और फिर वीडियो, जो भी इंटरेस्टेड हो भाई वो ज़रा रब्ता कर सकते हैं नासिर भाई से और उनसे। बाकी बच्चे तो मैंने दिखा दिए थे जहाँ तक मुझे याद है, बछड़ियाँ छड़ियाँ भी सभी दिखा दी। हमारी वो लैला मैंने सही से नहीं दिखाई, इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ। इधर ले आगे ले आगे ले। अच्छा जी आप लोग नासिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। कलर में माशाल्लाह आपके सामने बछड़ी के लाल और बिल्कुल चमकता हुआ लाल है गोल्डन, और जो है वो सफ़ेद बिल्कुल माशाल्लाह साफ। पलट के खड़ा कर अगर ये भाग जाएगी। भुरों में ये भाई वो है भूरी में, और पलके भी इसकी भूरी में। इस तरफ से खड़ा कर मतलब उस तरफ वाला प्रिंट दिखा, पिंक पिंक सी नोज भी है इसकी ज़रा, ये देख सकते हैं भाई। अबे दिस दिस हाँ ये साइड देखने का वो मस्ती थोड़ी डर रही है वो। मैं इंशाल्लाह फिर किसी उसमें भी दिखा दूँगा, लेकिन ये कि यार आप अगर कोई भी देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हों तो वो फ़िलहाल रब्ता कर लें, ताकि ये ना हो कि फिर बाद के चक्कर में ये ना हो कि निकल जाए रुबाब। ठीक है जी आप रब्ता कर सकते हैं रुबाब के लिए। ठीक है लेके जा रुबाब बिल्कुल सेट है लगे कदम से। बाकी ये डिटेल आपको प्राइस वगैरह के हवाले से सब नासिर भाई दे देंगे।
चले जी, वीडियो जो है हम राजा के साथ एंड कर लेंगे। और राजा माशाल्लाह कद जो है इसका और अच्छा हो गया लगे क्रम से, भीड़ में पता नहीं बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, लेकिन कद तो कम से कम ज़रूर निकाल रहा है माशाल्लाह से। चले दोस्तों, अब खस्सी करने के लिए इंशाल्लाह नसर भाई बोल रहा हूँ, हम्माद भाई इंशाल्लाह कल आएंगे सुबह में, तो देखते हैं कौन से चार बछड़ों को उन्होंने कहा है, अब कौन से चार होंगे ज़रा वो भी देखना है कि वो जिसका कहेंगे कि मानिए भाई सबसे पहले इनको निपटा देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे, बाकी का प्रोसेस उसी में बदल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी कवरेज पूरी करूँ। बाकी एक है आप लोग लाजमी वो भी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।